विवेक अग्निहोत्री जी का कहना है कि जो फ्री कश्मीर की बोर्डिंग होर्डिंग लगी थी यूएस में, उसका पैसा महबूबा मुफ्ती के ने उसको बैक किया था कि नहीं किया था, कि एक तरफ यहाँ झंडे पर आप, तिरंगे पर आप शपथ ले रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं, उधर आप फ्री कश्मीर को बैक कर रही हैं। बोले आप पूछ के देखिए, अगर वो मना करते तो मैं सबूत ला के देता हूँ। तो ये इन्होंने कैसे इसको अलाउ किया। दूसरी बात, जो खड़े होते हैं उनको डराया जाता है। किसी ने ये भी कहा कि ये जो फ्रीडम कॉन्फ्रेंस जो था, जो वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी था जो कि दूसरी एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करती है या यूथ कॉन्फ्रेंस की बात करती है, और तीसरी तरफ इन्होंने एक फ्रीडम कॉन्फ्रेंस चलाया। तो ये तो एजेंडा दोनों तरफ से चल रहा था। तो ये बात भी हुई, सो मेनी इयर्स। बिल्कुल आनंद, मैं इसमें बिल्कुल खोल के बात रखूंगा, बोलिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरा है, ये प्लेटफॉर्म मेरा है। मैं ऑनरेबल पीएम साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को और हम सारे देशवासियों को एक बात कहना चाहूंगा। जितने जुल्म इन लोगों ने हम पे किए, हम आम कश्मीरियों पे, चाहे वो कश्मीर का मुसलमान हो, कश्मीर का पंडित हो, कश्मीर का सिख हो, कश्मीरी जो भी, इतने ही जुल्म हम पे यहाँ के सिस्टम ने भी किए। सिस्टम ने इनको, इस डीप नेक्सस को क्यों अकोमोडेट किया मुझे बताइए। 50-50 गाड़ियों का इनका कारवां होता है, सिक्योरिटी, ये वाली सिक्योरिटी, वो वाली फलाफिस्तानी सिक्योरिटी, और एक आम जो जमीन से जुड़ा हुआ सियासी लीडर हो, जमीन से जुड़ा हुआ जो है बिजनेस लीडर हो, जमीन से जुड़ा हुआ समाजी लीडर है, जो कंट्रीब्यूट करता है, जो ग्राउंड जीरो पे काम करता है और हर एक बला के साथ लड़ता है, चाहे वो पार वाली बला हो या यहां वाली वहां वाली बला हो, क्यों आज तक सिस्टम ने इन्हें अकोमोडेट किया, ये बड़ा सवाल है। ये आज हिंदुस्तान का नया नौजवान कह रहा है, इंडिया एट 75 इज लाइक दिस, इंडिया एट 100 शुड बी डिफरेंट कंट्री, हिंदुस्तान हिंदुस्तान होना चाहिए। अभी तक इनके जो डीप नेक्सस है, जो अभी आपने कहा, यहां पे एक बात और पार में दूसरी बात, यहां पे एक हफ्ता ये बिताते हैं, दूसरा हफ्ता लंदन में, इनके बच्चे कल तक लंदन साउथ अफ्रीका में होते थे, और यहां का बच्चा वो इस इनके जुल्म का शिकार हुआ। लेकिन कल जब कहीं पे कोई कॉन्क्लेव होता है, वहां पे इन्हीं के बच्चे होते हैं, वहां पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं होगा। यह एक बदकिस्मती हमारे कौम की। तो यह आज का नौजवान यह सवाल करना चाहता है हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से, कब बदलेगा ये, कि अपीजमेंट क्यों चल रही है, कि जिनको, जिन्होंने, जिनके बारे में, या जिन, आप ये जानते हैं कि इनकी वजह से ये पूरी फसाद है या पूरी जड़ की, इनको खुलेआम छूट दी जाती है, इनको फैसिलिटेशन अकोमोडेट किया जाता है, इनके रिश्तेदारों को, मुझे माफ कीजिए, इनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी यहाँ स्टेट प्रोटोकॉल मिला हुआ है। हमें आनंद मैं ये बात कहना चाहूंगा, आनंद मुझे एक मिनट दे दीजिए, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं हमारे मुल्क के दोस्तों से, मेरे मुल्क के हम वतनों से ये सवाल करना चाहता हूँ। मैंने इलेक्शन लड़ा, तौसीफ ने इलेक्शन लड़ा, साजिद ने, संजय साहब ने इलेक्शन लड़ा, हमें अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली, हमें यहाँ श्रीनगर में रहने के लिए एक कमरा नहीं मिलता है। इनके बंगलों देखिए, 50-50 लोग इनकी खिदमत में लगे हुए हैं। खुदा रहा, हमें जवाब दीजिए, पर एक बात बताओ, व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन। यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट इन दैट जावेद, बट द थिंग इज कि आपको, आप तो सड़क पे कहीं पे भी घूम सकते हैं क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर आपका है, पर वो अपना बंगला छोड़कर क्या यहाँ घूम सकते हैं, क्या आपकी तरह आ सकते हैं, आपकी तरह उनकी साथ देखिए, नहीं नहीं आपकी तरह आ सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तब आपको जनता भी तो आपको आपकी जगह बताएगी ना, जनता भी तो आपको बताएगी कि आप जनता के, आवाम के बीच रह सकते हैं कि नहीं, या ये कर सकते हैं। लेकिन एक और बात बताइए कि ये जो आपने कहा, आपने जमीयत की बात की थी कि ये ऑफशूट हैं और इनकी तरफ से आता है, तो आज भी क्या ये इन्फ्लुएंस है साइलेंटली, आज भी क्या ये सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस तरह से है कि ये अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी हर्ट कर सकते हैं। एक क्लीन अप चल रहा है अभी, वो उस दिन 36 पुलिस ऑफिसर्स को किया गया, फिर बीच में एडमिनिस्ट्रेशन बैंक में से हटाया गया, कई सब जगह से हटाया गया, पर क्या इज दिस इनफ, या आपको लगता है कि अभी भी 15-20% अभी भी इनका पेनिट्रेशन है? देखिए, 70 साल के जो गड्ढे भर उन्होंने खोद के रखे हैं, उसको भरने में आप देखना है कि हमारे गवर्नमेंट आज की डिस्पेंसेशन कितना जल्दी उनको भर देती है। चलिए साजिद बोले, फिर मैं आपके तरफ जाता हूं, वी टेक दिस पॉइंट। जहां तक इनकी बात करूं मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनका जो नेक्सस है ये आज का नहीं है, पिछले 75 ईयर्स का है। अगर आज की डेट में कोई ये बता दे कि किसी के पास जादू की छड़ी है, वो रातों रात इस चीज को बदलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वही लोग है, जब ये लोग एक साइड से दावा करते हैं कि टेररिज्म खत्म क्यों नहीं होता, मेरा ये मानना है कि एक टेररिस्ट को मारना बहुत ही इजी है, लेकिन टेररिज्म को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टेररिज्म इज अ माइंडसेट, इट्स नॉट अबाउट द वेपन, इट्स नॉट अबाउट द बुलेट्स, इट्स नॉट अबाउट द गन, इट्स अ माइंडसेट, वी हैव टू किल दैट माइंडसेट, एंड इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब। जहां तक हमारी
सिक्योरिटी फोर्सेस या इनके बारे में बात करूं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज के डेट में आप आश्चर्य होगा इस चीज को आपको लेके कि बहुत सारे हमारे जो सहाफत जर्नलिस्ट जो है हमारे वो ग्रेनेड लेके पकड़े गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने, मैं ये कह सकता हूँ लश्कर तैयबा, इनके साथ जो टेरर लिंक्स थे वो पकड़े गए। जब इन लोगों को जेलों में भरे गए, जब इन लोगों को हमारी पुलिस फोर्स, मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रेवरी जो है, जेके पुलिस का नाम जो मैं कह सकता हूँ ब्रेवरी, सागा ऑफ ब्रेवरी जो है, उन लोगों ने जब इनको पकड़ पकड़ के जेल में जब इन लोगों ने भरा, तो यही मुफ्ती अब्दुल्ला सोके के देखिए हमारी फ्रीडम ऑफ जो है, हमारी जो एक्सप्रेशन जो है, हमारी जो मीडिया जो है, मीडिया को यहाँ पे बात करने नहीं देते। लेकिन दिक्कत इस चीज की है, मैं ये चीज कह सकता हूँ कि मैं मानता हूँ कि इफ विल माइनस फॉर्मर सीएम, अगर फॉर्मर सीएम इनके नाम से हटा दे, दे आर लाइक अस। अगर आज के डेट में मैं भी कोई गलत कर लूं, अगर मैं भी आज के डेट में अगर मैं आज के डेट में कुछ भी मैं गलत कर लूं, मैं ये मानता हूं कि जब मुझे जेल हो सकती है, जब आज के किसी भी नौजवान को कुछ ही गलत या एंटी स्टेट करने पर जेल हो सकती है, तो इन लोगों को क्यों नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूं इनको भी होनी चाहिए। रहा तक बात इनके नेक्सस की, मैं आपको ये चीज बता दूं कि आज के डेट में भी मुझे पता है इट्स नॉट पॉसिबल टू ईच एंड एवरी वन इन द सिस्टम, कि जहां पे सिस्टम इनने अपने लोगों को रखा हुआ है, इनको निकालना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको कहा ये आज की पैदाइश नहीं है, इसमें इनको बहुत सारी मेहनत लगी है। जमात इस्लामी हो, आप यूनिवर्सिटी में देखिए, आप यूनिवर्सिटी में आपके कितने सारे यहाँ पे प्रोफेसर जो है वो टेररिस्ट बन के मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, वो इन्हीं की पैदाइश थे। मैं आपको ये चीज बता दूं कि जेके बैंक तो मुझे लगता है कि वो तो बैंक रहा नहीं था, वो तो इन लोगों ने अपने वर्कर्स को उन लोगों में बिठा के रखा था। आप देखिए एनसी की गवर्नमेंट में जितने भी थे, एनसी में जब भी कोई भी ठेकेदार या कुछ थे, ये अपने वर्कर्स को देते थे। और आज के जमाने में ये कहते हैं कि जी आप वोट कीजिए। मैं आज के जमाने में ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इनके आज भी लोग सिस्टम में है, वो इनके लिए काम करते हैं। इसीलिए आज भी मैं मानता हूँ, जहां तक आपने अभी बात की कि यहाँ पे बहुत सारे जो आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के स्कीम्स है वो यहाँ पे लॉन्च है, इनके बहुत सारे ऐसे लोग भी सिस्टम में बैठे जो उस काम को आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं लोगों को नफरत हो इन लोगों की। मैंने वो पर्चियां देखी हैं जो कि जिसके बेसिस पे लोगों को नौकरियां दी गई, बिल्कुल सही। देखिए आप ये छोड़िए, देखिए आनंद, एक चीज, आई सलूट टू द बीजेपी गवर्नमेंट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज दे हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स टेररिज्म। आज के डेट में जो लोग कल तक ये इसी एसकेएससी में गिलानी के अपने ग्रैंडसन, ये लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, दूसरों को कहते हैं जाके आप बंदूक उठा के मर दीजिए, आज के डेट में जब हम बीजेपी की सरकार जब आई, सबसे पहले इन चोर चकाटों को उनको दफा कर लिया यहाँ से। आज के डेट में भी ये आपको कह सकते, सरकार अभी आई नहीं है, मैं ये कहता हूँ सेंटर में कहता हूँ, रूलिंग में कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार इससे पहले थी। कांग्रेस हो या पीडीपी हो, क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, इन लोगों ने पिछले 70 साल से यहाँ पे हमें गुलाम बनाया था। और आज की डेट में भी जैसे तौसीफ भाई या जैद भाई कोई भी हो, आज के डेट में आज हर किसी नौजवान को एक्सेस है, चाहे एलजी साहब से मिलना हो या किसी से भी हमारे आदरणीय जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के या पुलिस के लोग, उनसे मिलने का एक्सेस है। एक ऐसा टाइम था जब ये लोग एक मामूली सरपंच से क्या एमएलए से नहीं मिल पाते थे, इनको लाइनों में सुबह खड़ा कर दिया जाता। नहीं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन उसका फर्क यह है कि जब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है या एलजी का होता है तो फर्क होता है। जैसे ही कल अगर वापस चुनाव हो गए और भले कोई और पार्टी हो उसके नेता आएंगे, तो फिर से ये सियासत तो आएगी, फिर से ये अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला तो आएगा, तो सीवी नेतागिरी तो आएगी कहीं ना कहीं। देखिए सर, मैं आपको एक बात बोलूं, बारामूला अड्डा है, मेन अड्डा हमारा, तो मैंने म्युनिसिपल काउंसिल में हमने कुछ पैसे आए तो हमने अड्डा मैग्नेटाइज किया, तो जो वो लोग हैं वहां के वो इतने खुश हुए और बोला कि ये 20 साल के बाद हुआ है, बिलीव नहीं, मतलब 20 साल के बाद अड्डा हुआ है। 20 साल के बाद मेन जो अड्डा है, जो बस स्टैंड है मेन बारामूला का, वो 20 साल के बाद हमने उसको मैग्नेटाइज किया। और दूसरी चीज, लाइट्स, जो लाइट्स लगाते हैं, हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई या हमारे पुल है, पुल पे, और लोग खुश हुए। और अंदर से मैं बड़ा, आप कह रहे हैं 20 साल बाद पुल लाइट्स लगी हैं? मैं कहता हूँ कि 20 साल बाद मैग्नेटाइज हुआ है अड्डा, मेन बस स्टैंड बारामूला का, जो मेन बस स्टैंड है। आप आइए बारामूला, आप लोगों से बात कीजिए। मैं गया हूँ बारामूला, लेकिन बारामूला अड्डा, आप आइए, आप लोगों से बात कीजिए, उसके बाद गया हूं। 20 साल बाद वहाँ का अड्डा मैग्नेटाइज होता है और हम लाइटें लगा, तो लोग खुश होते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। और बिलीव मी, मुझे दुख होता है इस बात का, पता है क्यों? आज के टाइम में हम लाइटें लगा रहे हैं, आज के टाइम में हम मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया?
तो अगर कोई अगर कोई डेवलपमेंट की बात करता है, चेंज की बात करता, मैं ये कहता हूँ कि चेंज विजिबल है और चेंज विजिबल है ग्राउंड पे, जो काउंसलर आज तक कभी इलेक्ट नहीं हुआ, जो काउंसलर इलेक्शंस नहीं हुए, जो सरपंच यहाँ पे नहीं बने, जो पंच नहीं बने और आज बन के वो खुद अपने गांव में काम कर रहे हैं, वो खुद अपने इलाके को डेवलप कर रहे हैं। जब हम बड़े बड़े डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बड़े होटल बनाना, बिलीव मी, बड़े इंडस्ट्री लगाना मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं है। इट विल टेक टाइम, यहाँ पे है वो भी चल रहा है साथ साथ, लेकिन मेरे लिए ओल्ड टाउन में जो नाली है जो 20 साल से नहीं बनी है, जिस ओल्ड टाउन बारामूला को इन्होंने फेंका था, जहाँ के लोगों से बात नहीं करते थे डाउन टाउन के नाम से, उनको बोला था इनसे बात ही नहीं करनी, वहाँ पे काम ही नहीं करना, वहाँ पे आज काम हो रहा है, तो वो चेंज है। ओल्ड टाउन के लोग बाहर आ रहे हैं, कहते हैं अगर यहाँ पे काम हो हमारे यहाँ क्यों नहीं काम होगा, तो ये चेंज है। चेंज मतलब ये नहीं है कि हम दिखाएंगे जी हम पूरा समझ गए गल को चमकाएंगे, हम फोटोग्राफ उठाएंगे, वो चेंज नहीं है, वो कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक चेंज है। रियल चेंज आपके ग्राउंड पे, आपके जो लोग है, जो गरीब आवाम जिसको आज तक इस्तेसाल किया है सबने, और बदकिस्मती ये है आप ये दिखाएंगे बेच क्या रहे हैं। करेक्ट, ये अगर एक इंसान अगर पॉलिटिक्स में आता है, ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, उसके पास कुछ नहीं होता है, अब भी दो चार पांच साल में करोड़पति होता, पैसा कहाँ से आया? तो इसलिए मैंने पहले भी आनंद जी अकाउंटेबिलिटी बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, और मैं आपकी टीवी के माध्यम से अपने नौजवानों को बोलता हूं कि हमें स्टैंड लेना है, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ स्टैंड लेना है, हमें डेवलपमेंट के लिए स्टैंड लेना है, हमें आने वाले बच्चों की स्टैंड लेना है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे और इस टेररिज्म का शिकार बने और इस ब्रेन वॉशिंग का ये शिकार बने, तो हमको चाहिए हम नौजवानों को सच बोलना और अपने लोगों को सच। आपने नौजवानों की बात की तो शो की समाप्ति जो है, मुझे ब्रेक लेना है, तो ब्रेक से पहले इसी नौजवान से फिर वापस आते हैं घूम के, नहीं तो फिर शेख मान मुझे ऐसा गिल्टी फीलिंग हो कि मैंने आपको ज्यादा बोलने नहीं दिया, तो फाइनल आप ही बोलिए, लास्ट का एक मिनट आपके लिए। देखिए एक्चुअली कश्मीर में हुआ क्या, कश्मीरी जो लोग है वो सियासत के शिकार हुए, पीडीपी की सियासत के शिकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की चापलूसी के शिकार हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस आई ऑटोनॉमी के नाम पे वोट लिया, पीडीपी आई सेल्फ रोल के नाम पे वोट लिया, कुछ लोग आए आजादी के नाम पे अपना चर्चा यहाँ पे चलाया, लेकिन जब देखेंगे तो आजादी सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी को रिड्यूस करके स्टेट भी हमसे छीन ली गई। आप कल ही देख लीजिए सियासत कर क्या रहे हैं, ये पिछली कई दहाइयों से ये हुकूमत में है, लेकिन पिछली कई दहाइयों से जब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पे रविंद्र रैना जी, उन्होंने बिल लाई थी पार्लियामेंट में ड्राई स्टेट बनाने की, तब गवर्नमेंट में यही थे, उस पर एक दो एमएलए ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर भी इनका था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इनका था, बाकी गवर्नमेंट भी, तब ये नहीं कर पाए। और जब कल को यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेज डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बोल रहे हैं लगाने के लिए, आज ये शोर मचा रहे हैं बीजेपी यहाँ पे हमारे नौजवानों को शराब पिला रहा था, जब आपने बंद करनी थी उस टाइम पे कर लेते बंद। करेक्ट, इनके एमएलए ने ड्रग माफिया यहाँ के ड्रग, हाँ ये भी ड्रग, जब ये चीज तब से ही थी आज इनके लिए गलत बन रही है। डाउनटाउन में ये जब जैसे मेरे साजिद भाई ने भी यहाँ पे बोला, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये आज की करंट एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल करें, यहाँ पे किलिंग्स हो रही है। अगर आप फिगर्स को देखेंगे 2016 में 383 किलिंग्स हुई है जी, और कंसिस्टेंटली आप देखेंगे हर साल में 200-300 किलिंग्स, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज भी, इंजरीज भी हजारों की तैदाद में, और अगर आज इक्का दुक्का कहीं पे केसेस होते हैं तो उस पे ये सवाल उठाते हैं, उस पे बवाल उठाते हैं। आज महबूबा मुफ्ती जी का ट्वीट देख लीजिए, बोला यहाँ किसी की सिक्योरिटी नहीं है, डिग्निटी नहीं है। अगर महबूबा मुफ्ती जी के टाइम पे देखा जाए तो उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया जी ये नौजवान मर क्यों रहे, बोला ये सिक्योरिटी फोर्सेज के पास ट्रॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं। यहाँ पे मैं आपकी चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, अगर आज की डेट में सिक्योरिटी फोर्सेज का देखा जाए, आज की डेट में सिक्योरिटी फोर्सेज यूथ एंगेजमेंट ड्राइव्स कर रही है, नौजवानों को खेल कूद के मैदान में ला रही है, कम दिख रहे हैं एंटी सड़कों पे, कम दिख रहे हैं एंटी ड्रग कैंपेन्स कर रही है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है, पीस कीपिंग ऑफिस का मतलब होता है उनको देखना है यहाँ पे अगर अमन को कहीं पे खतरा पहुंच रहा है वो किस चीज से पहुंच रहा है, लेकिन आज की डेट तक तो नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस इज द लास्ट कफिन इन द नेल इन कश्मीर, मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा।
अगर इनको यू आर सेइंग द लास्ट डे लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ आई हैव रन आउट ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज दैट वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द टाइम वेयर आई हैव टू एक्चुअली एंड द शो विद अ ब्रेक बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन एंड कम बैक टू द शो. मैं बस कंक्लूड करना चाहूंगा, यहाँ पे कश्मीर में साइलेंट मेजोरिटी है. साइलेंट मेजोरिटी की वजह से ये आज की डेट में भी हम पे हुकूम चलाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले. तो साइलेंट मेजोरिटी जाग गई उस दिन इनका एड्रेस भी नहीं देखे. कल एक बोर्ड गिरा था एक बिल्डिंग के सामने से और आज लोग बोल रहे हैं एक और बिल्डिंग के सामने से. तो दोनों में बहुत फर्क है एंड बोथ आर वेरी वेरी सिंबॉलिक लेडीज एंड जेंटलमैन बिकॉज फाइव इयर्स अगो आई कुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ डूइंग दिस हियर राइट ऑन द बैंक्स ऑफ द डल एट 9 PM इन द इवनिंग कमिंग लाइव टू यू. कुडंट हैव हैपेंड. Which happened now and people are speaking freely. That's the big change. Because, at Lal Chowk, absolutely. And for those who have forgotten the past, the Honorable LG reminded them of the killings that have happened. So as we say goodbye, listen into what the Honorable LG had to say. Thank you for joining us on this very special broadcast. Aap sabko bahut bahut dhanyawad. Thank you so much. Thank you so much. Hal mein aapne ghatna padhi hogi. Taliban ke ek dhade ka ek commander. वो कुख्यात था अंधाधुंध हत्याओं के लिए. उसे दुनिया इसी के लिए जानती थी कि वो अंधाधुंध हत्याएं करता था. उससे किसी ने पूछा कि इस तरह की विवेकहीन हत्या रेकलेस हत्या के कारण क्या है, क्या अनपॉपुलर नहीं होते तुम, क्या इसे डिफेंड कर